हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत करता हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल फैक्ट टाइम में। आज हम बात करने जा रहे हैं ट्रेन के बारे में। नहीं, इस ट्रेन के बारे में नहीं, जिस ट्रेन के बात करने जा रहे हैं हम लोग वो अपने डिज़ाइन और अपने स्पीड के लिए काफ़ी पॉपुलर है। जी हाँ बिल्कुल, हम आज बात करेंगे बुलेट ट्रेन के बारे में कि किन किन देशों में बुलेट ट्रेन चलाई जाती है, जो कि केपेबल होती है 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक पहुंचने के लिए, जो कि एक जैपनीज इंजीनियर हिरोशिमा द्वारा इन्वेंट की गई थी, जिसे शिनकानसेन भी कहा जाता है। तो शुरू करते हैं उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान की हाई स्पीड रेल के पास फिलहाल 600 किलोमीटर तक का ही ट्रैक है और उज्बेकिस्तान रेलवे के द्वारा ऑपरेट की जाती है, जो कि केपेबल है 250 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड तक पहुंचने के लिए। अब हम बात करते हैं रशिया की। रशिया में बुलेट ट्रेन को सैप्सन नाम से भी जाना जाता है। सैप्सन, जिसे बेलारो RUSEVS के नाम से भी जाना जाता है, ये एक रशियन गॉज हाई स्पीड इलेक्ट्रिक एक्सप्रेस ट्रेन है, जो कि कैपेबल है 250 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड तक पहुंचने के लिए। अब हम बात करते हैं नीदरलैंड्स की। नीदरलैंड में हाई स्पीड रेल सर्विस स्टार्ट की गई 13 दिसंबर 2009 में। अब तक 3 हाई स्पीड ट्रेन सर्विस मौजूद है नीदरलैंड्स में। पहली थैलेस, दूसरी इंटरसिटी एक्सप्रेस, तीसरी यूरोस्टर। और नीदरलैंड बुलेट ट्रेन केपेबल है 200 किलोमीटर पर आवर तक की मैक्स स्पीड तक पहुंचने के लिए। अब हम बात करते हैं जर्मनी की। द ICE, जिसका मतलब इंटरसिटी एक्सप्रेस, एक हाई स्पीड ट्रेन है जो जर्मनी की सभी मेजर सिटीज़ को कनेक्ट करती है, जो कि केपेबल है 300 किलोमीटर पर आवर तक की मैक्स स्पीड तक पहुंचने के लिए। अब हम बात करते हैं यूके की। द यूनाइटेड किंगडम। यूके की हाई स्पीड रेल, जिसे इंटरसिटी 125 कहा जाता है। यूके के पास टोटल 5 लाइंस हैं, जिसमें से 4 लाइंस केपेबल है 200 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड पर चलने के लिए, और इसमें से एक लाइन जो कि केपेबल है मैक्स स्पीड 300 किलोमीटर पर आवर तक चलने के लिए। अब हम बात करते हैं चाइना की। चाइना का हाई स्पीड रेल नेटवर्क दुनिया का सबसे लंबा और बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किए जाने वाला नेटवर्क है, जिसकी टोटल लेंथ 2021 के लास्ट तक 40,000 किलोमीटर है, जो कि डिज़ाइन की गई है 200 किलोमीटर पर आवर से 350 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड पर चलने के लिए। अब हम बात करने जा रहे हैं उस देश की जो कि BTS के नाम से काफ़ी जाना जाता है। जी हाँ बिल्कुल, साउथ कोरिया। कोरियन ट्रेन एक्सप्रेस, जिसे अक्सर KTX के नाम से जाना जाता है। साउथ कोरिया हाई स्पीड रेल सिस्टम को कोरेल द्वारा ऑपरेट किया जाता है। 1992 में सियोल टू बुसान तक हाई स्पीड लाइन का निर्माण स्टार्ट हुआ और KTX सेवाओं को 1 अप्रैल 2004 को लॉन्च किया गया था, जिसकी स्पीड डिज़ाइन की गई है 330 किलोमीटर पर आवर तक चलने के लिए, लेकिन 305 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड से ही चलाई जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने अगले देश के बारे में, स्पेन। ABE एक हाई स्पीड रेल सर्विस है स्पेन की, जो ऑपरेट की जाती है रेनफे के द्वारा, जो कि स्पेनिश नेशनल रेलवे कंपनी है, जो कि डिज़ाइन की गई है 310 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड पर चलने के लिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इटली की। द इटालियन हाई स्पीड ट्रेन, जिसको EV एल्टा वेलोसिटा कहते हैं। इटालियन हाई स्पीड ट्रेन जो कि 400 किलोमीटर पर आवर तक की स्पीड से चलाई जाती है और कनेक्ट करती है मेन सिटीज़ को, जैसे ट्यूरिन, फ्लोरेंस, रोम एट्सेट्रा। अब हम बात करेंगे फ्रांस की। द TGV एक हाई स्पीड ट्रेन है जो पूरे फ्रांस और उसके बाहर भी चलाई जाती है। TGV की हाई स्पीड 320 किलोमीटर पर आवर है। अब हम बात करेंगे उस देश की जहां बुलेट ट्रेन का इन्वेंशन हुआ। वन ऑफ माय फेवरेट कंट्री, जापान। जापान जहां बुलेट ट्रेन को शिनकानसेन कहते हैं, जिसकी स्पीड 320 किलोमीटर पर आवर है। जापान में टोटल 9 शिनकानसेन लाइन है, जो कि JR ग्रुप यानी जापान रेलवेज ग्रुप कंपनी द्वारा चलाई जाती है। तो जापान के अलावा और इन देशों के अलावा और भी देश, जैसे कि नॉर्वे, मोरक्को, सऊदी अरबिया जैसे और भी कुछ देश हैं जहां बुलेट ट्रेन चलाई जाती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो।
चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बने रहें हमारे साथ ऐसी और भी मज़ेदार वीडियो के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।